उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव मल्लूपुर हरदोदाड़ी गांव के ही पास के सरकारी तालाब में एक युवती का शव तैरता हुआ देखा गया। इसकी सूचना जैसे ही गांव वालों को मिली, हर कोई तालाब की तरफ दौड़ पड़ा। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच गए, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम भी बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। दरअसल मामला थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव मल्लूपुर हरदोदांडी का है। गांव के ही सरदार खान अपने खेत पर गेहूं की सिंचाई कर रहे थे। उनके खेत के बराबर में सरकारी तालाब है। उन्हें अज्ञात युवती का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। तुरंत ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी। थाना भगतपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पहचान कराई गई, लेकिन शव की कोई भी पहचान नहीं हो पाई। मौके पर पहुंचे एसपी देहात उदय शंकर ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर तालाब की बारीकी से जांच कराई, लेकिन जांच में कोई भी तथ्य सामने नहीं आया। लेकिन पुलिस का मानना है कि हत्या लगभग 24 घंटे पूर्व की गई थी और उसके बाद शव को तालाब में फेंक दिया गया और हत्यारे वहां से फरार हो गए, लेकिन इसका खुलासा शीघ्र ही कर दिया जाएगा। यहाँ एक युवती का शव मिला है, क्या है? ये ग्राम मल्लूपुरा की सीमा में एक तालाब है, ये खेत हैं आसपास इसके। युवती का शव यहाँ पर मिला है। आज सूचना प्राप्त हुई थी, गांव के जो खेत जिनका है वो यहाँ पर अपना खेत देखने के लिए आए थे, उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी। इसका अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम कराने की कार्यवाही की जा रही है। सर, इसमें क्या लगता है कि कितनी पुरानी बॉडी होगी? अभी स्पष्ट रूप से कुछ कह पाना संभव होगा, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे से ज़्यादा पुरानी है। प्रथम दृष्टिता क्या लग रहा है, क्यों हत्या की? अभी कोई निष्कर्ष देना जल्दबाजी होगी, अभी आगे की हम कार्यवाही कर रहे हैं और छानबीन जारी है।